नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फिर से मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे और समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो आपके इंग्लिश हिंदी किसी भी सब्जेक्ट में तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिडंट सोफी वॉन्ट्स जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी। मतलब सोफी जो थी वो क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को उसकी डैनी की कहानी के बारे में पता चले। तो देख लेते हैं कि वो क्यों नहीं चाहती थी। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 में ऑलरेडी पूछा हुआ था, हो सकता है रिपीट भी कर दे तो बहुत अच्छे से समझिएगा। सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स। सोफी और जेंसी कौन से क्या थे? क्लासमेट्स थे। सोफी डिडंट वॉन्ट जेंसी टू नो एज शी थॉट जेंसी वुड टेल एवरीवन अबाउट इट। मतलब सोफी इसलिए नहीं चाहती थी कि जेंसी जाने, क्योंकि वो सोच रही थी कि जेंसी जो है ना वो वुड टेल एवरीवन अबाउट इट और सभी को उसके बारे में बता देगी। एंड द पीपल वुड कम इन लार्ज नंबर्स टू नो अबाउट इट, और बहुत सारे लोग आ जाएंगे उसके बारे में जानने के लिए। तो सोफी वॉज केयर्ड ऑफ हर फादर, और वो अपने पापा से जो अपने फादर से डरती थी। She feared that her father would murder her. वो उसे बहुत डर लगता था, उसे ऐसा लगता था कि उसके पिता उससे, मतलब उसके जो फादर हैं वो उसे मार डालेंगे। मतलब इस टाइप का उसको अंदर डर बैठा हुआ था, तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्टोरी के बारे में कोई जाने। तो ये एक क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप इसे एक बार समझ लीजिएगा। और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ मुझे ऐसा एज सच नहीं लगा। अगर आप लोग को कुछ और भी समझना हो या पूरे क्वेश्चन आंसर पर जानने हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि समझा दीजिए, तो मैं ट्राई करूंगी आपकी हेल्प करने की। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय।